सो गाइज फाइनली मुझे आर्यावर्त बैंक का एटीएम कार्ड मिल गया है। मैंने 10 मिनट में लिया है ये एटीएम कार्ड। अपने होम ब्रांच से कैसे लिया है, किस तरीके से लिया है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं। साथ में इस एटीएम किट का अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूं। तो है गाइज स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि ये एटीएम कार्ड जैसे आप लोग को मिलेगा तो इस पर कुछ आप लोग को ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जब आप लोग को एटीएम कार्ड मिलेगा तो इस एटीएम कार्ड के साथ ही आप लोग को आपका एटीएम पिन यानी कि जो 4 अंक का गुप्त नंबर होता है वो इसी एटीएम के साथ ही मिलेगा। और ये एटीएम आप लोग 10 मिनट में ले सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप लोग अपने होम ब्रांच से ले सकते हो। कैसे ले सकते हो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए इस एटीएम का अनबॉक्सिंग करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या मुझे मिला है। तो मैंने इसे ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो ये मेरा एटीएम कार्ड है और मैंने यहाँ पर यह टैब लगा दिया है कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो आप लोग देख सकते हो ये रुपे डेबिट कार्ड है। और एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप लोग शायद से दिख रहा होगा, ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। ठीक है, ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसका यूज आप लोग कंट्री से बाहर यानी इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में भी इसका यूज इजीली कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है कि आप लोगों को ग्रामीण बैंक में भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिल रहा है और ये भी ये रुपे डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका ये कॉम्बो है। तो इसमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें मिलता है। सो गाइस इस डेबिट कार्ड को मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा है और ये मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी। तो मैं इसमें आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेसिबल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इसे एक्सेस कर सकते हो। और साथ में ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, इसे आप लोग इंडिया से बाहर भी किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये रुपे डेबिट कार्ड है। ठीक है, और इसमें एक खासियत है कि इस डेबिट कार्ड पर आप लोग को नेम प्रिंटेड डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। इस पर आप लोग का नेम प्रिंट नहीं रहेगा क्योंकि ये डेबिट कार्ड आप लोग को मात्र 10 मिनट में मिल रहा है। तो और इसके अंदर क्या क्या है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो मैं इसे सिंपली ओपन कर दे रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कुछ लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस यूज करने के लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि मैनुअल गाइड है इसका। ठीक है, तो इसे हम लोग किनारे रखते हैं। ठीक, और ये है गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि आर्यावर्त बैंक रुपए डेबिट कार्ड है। ठीक है, और कार्ड होल्डर वगैरह इसमें मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। और ये इसे मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन भी नहीं है। तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इसमें देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आर्यावर्त बैंक डेबिट कार्ड। ठीक है, ये सारा चीज़ें आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा जब आप लोग लेंगे तो। ठीक है, और शुभकामनाएं भावदीय महाप्रबंधक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मिलेगा इसमें। इसके अलावा आप लोग को ये देखिए मेन चीज़ है। ठीक है, आर्यावर्त बैंक का ये देखिए पिन। ठीक, ये देखिए रेडी किट है, बिल्कुल सी रेडी किट है, ये आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इसका। और देखिए ये जो है इसी के अंदर आपका एम पिन होता है। देखिए इधर से भी ये लॉक होता है, दोनों तरफ से लॉक होता है। तो मैंने इधर से फाड़ दिया है और इधर से भी फाड़ दिया है। ठीक है, तो ये लॉक होता है और इसी के अंदर आप लोग का पिन होता है। मैं आप अगर आप लोग को दिखाना चाहूँ तो यहीं पर आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा पिन है, गुप्त नंबर है, और ये बारकोड टाइप का लगा दिया गया है जिससे कि आप लोग को पिन अंदर बाहर दिखाई ना दे किसी और को। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आप लोग का डेबिट कार्ड मिलता है और इसे आप लोग अपने होम ब्रांच से ले सकते हो 10 से 15 मिनट में। बहुत ही आसान है लेना, आप लोग इजीली ले सकते हो। जाकर के आप लोग को एटीएम कार्ड का फॉर्म मांगना है, इसके बाद आधार कार्ड का, पासबुक का और 2 फोटो लगा करके सिंपली वहाँ पर जमा कर देना है। इसके बाद आप लोग का एटीएम 10 मिनट में आप लोग ले लेंगे और लेने के बाद एटीएम कार्ड को आप लोग सिंपली मतलब 24 घंटे के अंदर में ये एटीएम आप लोग का स्टार्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिवेटेड इन 24 आवर्स फर्स्ट टू बी यूज इन एटीएम एनी एटीएम। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप लोग को किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में कहीं पर भी यूज नहीं करना है। इससे आप लोग को सीधे एटीएम मशीन में बैलेंस इंक्वायरी या फिर कैश विद्रॉल में ही यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को कहीं पर भी बाहर यूज नहीं करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग एटीएम इजीली ले सकते हो। आई होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला होगा। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।